मैं श्रुति पांडे कानपुर किचन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई का प्रसिद्ध बड़ा पाव। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसे हम देख लेते हैं। हमने लिया है 150 ग्राम बेसन, 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा, नमक, हल्दी, नींबू का रस, हींग, पानी। अब हम बड़ा बनाने के लिए हमने लिया है 4 मीडियम साइज के बड़े आलू, करी पत्ता, राई, अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट बना लिया है, ये आमचूर पाउडर है, धनिया पाउडर है, चाट मसाला है, और इसको फ्राई करने के लिए मैंने एक कुकिंग ऑयल लिया है। बनाने में हमें एक स्पेशल चटनी बनानी होती है। ये चटनी बनाने का हमने लिया है सूखा नारियल, इसको हमने कस लिया है, मूंगफली, तिल, लाल मिर्च पाउडर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, हरी धनिया। बड़ा पाव को और टेस्टी बनाने के लिए हमने यूज़ किया है बटर। बड़ा पाव की सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। बड़ा पाव पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बना लेंगे, इसलिए हमने 150 ग्राम बेसन लिया है, इसको पूरा डाल देंगे। मैं इसमें चावल का आटा मैंने लिया है, 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा डालूंगी। इससे इसे जो बड़ा बनेगा वो थोड़ा क्रिस्पी होगा। अब मैं इसमें थोड़ी हींग डालूंगी, आधी चम्मच मैंने हींग डाली है। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी 1 चम्मच। अब मैं इसमें स्वादानुसार नमक डालूंगी। नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि जो हमें आलू की स्टफिंग बनेगी उसमें भी नमक पड़ेगा। ये मैंने 1 नींबू का रस निकाल के रखा था, इसे डाल दूंगी। अब इसको ऐसे ही अच्छी तरह से मिलाऊंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। बड़ा में जो बेसन का घोल बनता है वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। बन के तैयार हो गया है। अब हम बेसन के घोल को रस पाव के वड़ा को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसमें 1 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसे गरम होने देंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें 2 चुटकी ये हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद मैं इसमें 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड डालूंगी, इसको तड़कने दूंगी। अब मैंने ये अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाया है, इसको मैं डालूंगी और इसको फ्राई करूंगी। क्योंकि 1 मिनट हो गया है, ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट पक गया है। इसके बाद मैं इसमें करी पत्ता डालूंगी। अब मैं इसमें ये बॉयल्ड आलू जो मैंने लिए थे उसको ऐसे फोड़ के डालूंगी। इसको मुझे मैश नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डालूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब उसमें मैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। बेसन में भी नमक डाला है और इसकी चटनी में भी नमक होगा, इसलिए हमको नमक कम ही डालना है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने धनिया की पत्ती काट के रखी थी, इसको मैं डालूंगी। अब मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये पूरा तैयार हो गया। इसको ठंडा करूंगी। स्टफिंग तैयार हो गई है, जब तक ये ठंडी होती है तब तक मैं इसकी स्पेशल चटनी बना ली। बड़ा पाव की स्पेशल चटनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें हम 1 छोटी स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ये कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने 8 से 10 कलियां या लहसुन की ली थी, इसको भी मैं ऐसे फ्राई कर लूँगी। इसको हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। हल्के सॉटे हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं इसमें ये मैंने 1 कप मूंगफली दाना लिया था, ये डाल दूंगी। इसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी, लो फ्लेम में रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ये मूंगफली के दाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी। ये मैंने 2 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल लिए थे, इसको भी मैं भून लूँगी। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, तेज नहीं करना है। 1 मिनट से भी कम लगा है इस तिल को भुनने में, ये तिल भी भुन गए हैं। अब मैं इसे भी निकाल लूँगी प्लेट में,
अब मैं इसी तरह ये मैंने सूखा नारियल लिया है, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। इसको भी एक मिनट लगेंगे मुझे ऐसे सूखा रोस्ट करने में। ये भी हमारा रोस्ट हो गया है, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी, गैस बंद कर दूँगी। अब मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को इसको मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। अब इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डालूँगी। अब इसको मिक्सी में पीस लूँगी। ये हमारी बड़ा पाव की स्पेशल चटनी बनके तैयार हो गई है। इस चटनी को बनाते समय मैं ये ध्यान रखना है मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पाव का स्टफिंग भी बनके तैयार हो गया है, ये बेसन का घोल भी रेडी है। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। हम बेसन के घोल में ये हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, इससे वड़ा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मैं इसकी स्टफिंग के छोटे छोटे गोले बना लूंगी, गोले। अब मैं इसको ऐसे डिप कर लूंगी। हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, वड़ा को मैं ऐसे डाल दूंगी और फ्लेम को मीडियम रखूंगी। इस तरह से करके मैं सारी वड़ा को फ्राई कर लूँगी। इसको फ्राई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे कचरी से बार बार हिलाना नहीं है, एक बार हमें एक दो मिनट तक सेक जाने के बाद फिर करना है। ये देखिए, देखिए 1 से 2 मिनट लगे हैं, ये हमारे वड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको ऐसे टिश्यू पेपर पे ऐसे निकाल लूँगी, ऐसे जो इसका एक्सेस ऑयल होगा। मुझे ये हमारे बड़े बन के तैयार हो गए हैं। इस पाव को और थोड़ी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी बटर। देखिए मैंने इस तरह से इसमें बटर लगा दिया है, हल्का सा सेकूंगी। फिर मैं दूसरे पाव को भी लूंगी, हल्का सा ऐसे ओपन करूंगी, ऐसे बटर लगाऊंगी। अब इसको भी मैं ऐसे हल्का सा सेकूंगी। मैंने इसको बटर लगा के हल्का सा सेक लिया है, गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसको सर्व करने के लिए, सबसे पहले ये होममेड हरी धनिया की चटनी है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ये चटनी मैं ऐसे लगाऊंगी। अब मैं इसमें ये मैंने जो वड़ा पाव की स्पेशल चटनी बनाई है इसको मैं ऐसे डालूंगी। अब मैं इसमें ऐसे वड़ा को लगाऊंगी। उसी तरह मैं दूसरा, हमारा बड़ा पाव बन के तैयार हो गया, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू।